What's up guys, welcome back to my channel. So guys, MIUI Forum comment चुका है Android 9.0 का update. तो ये जो update है अभी India में officially launch नहीं हुआ है, इसको थोड़ा time और लगेगा. लेकिन आप यदि इस update को करना चाहते हैं तो बस ये जो process मैं कर रहा हूँ उसको follow करें और आपको चुटकियों में Android 9.0 पाई का update आपके MIUI Forum device में मिल जाएगा. Guys, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने install कर लिया है इस update को Android version 9.0. मल्टीपल टैप्स करने पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 9.0 पाई अपडेट. बहुत ही अच्छा अपडेट है, बहुत ही फ्लेक्सीबल अपडेट है. तो स्टार्ट करते हैं, आपको करना क्या है. तो आप जाइए सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स में आपको जाना है आपको ऐप्स एंड नोटिफिकेशन के अंदर. यहाँ पे आपको एक्सपेंड करनी है आपकी सारी एप्लीकेशन CO97, आपके जितनी भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखी है. टॉप कॉर्नर पे आप जाइए, यहाँ पे जो राइट थ्री डॉट्स दिख रहे हैं वहाँ पे क्लिक करिए शो सिस्टम. यहाँ पे आपको सारी सिस्टम्स की एप्लीकेशन शो हो जाएंगी. आपको सबसे पहले एप्लीकेशन ढूंढना है फ्यूज्ड लोकेशन. हम स्क्रॉल कर रहे हैं यहाँ पे, स्क्रॉल करते रहना है आपको जब तक नहीं मिले. और जैसे ही आपको फ्यूज्ड लोकेशन मिले आपको उसका डेटा क्लियर करना है, कैशे क्लियर करना है. तो यहाँ पे हमें मिल चुकी है फ्यूज लोकेशन एप्लीकेशन. यहाँ पे स्टोरेज सेक्शन में जाइए, आपको क्लियर स्टोरेज क्लियर कैशे करिए. उसके बाद आपको ये जो सेम प्रोसेस है फॉलो करना है गूगल बैकअप ट्रांसपोर्ट पे, सेम आपको स्टोरेज सेक्शन में जाके क्लियर स्टोरेज और क्लियर कैशे करना है. इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है और गूगल प्ले सर्विसेज के साथ भी आपको सेम चीज़ करनी है, क्लियर स्टोरेज एंड क्लियर कैशे. उसके बाद गूगल सर्विस फ्रेमवर्क भी आपको क्लियर करना है. और जो लास्ट एप्लीकेशन है जो आपको क्लियर करना है डेटा और कैशे दोनों, वो है लोकेशन सर्विसेज. तो गाइस यदि आप ये पांचों एप्लीकेशन का डेटा और जो कैशे है जितनी भी आपकी मेमोरी है इसमें आप क्लीन कर देंगे, उसके बाद आप आगे फर्दर प्रोसेस में मूव करेंगे. तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि आपके फ़ोन में कोई भी सिम इंस्टॉल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिम आपकी लोकेशन को ट्रेस करती है, आपको अपडेट नहीं मिलेगा नहीं तो. तो पांचों एप्लीकेशन का डेटा और कैशे क्लियर करने के बाद सिम निकालने के बाद आपको फ़ोन को रीबूट करना है और आपको उसके बाद अपने फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद कोई ना कोई वीपीएन से कनेक्ट करना है. तो मैं यहाँ पे आपको डेमो के लिए दिखाता हूँ साइफन जैसे वीपीएन है. आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो वीपीएन का सोर्स है जहाँ से वो कनेक्ट हो रहा है वो या तो यूएस हो या फिर नैदरलैंड हो. तो ये दो कंट्रीज़ हैं, आप सेट करिए आपके जो रीज़न है वीपीएन के और स्टार्ट कनेक्ट कर दीजिए. उसके बाद आपको सेटिंग्स में दोबारा जाना है और आपको ढूंढना है आपका सिस्टम अपडेटर एप्लीकेशन, वहाँ पर आप क्लिक करिए और आपको मिल जाएगा एंड्रॉइड 9.0 का अपडेट. तो जो अपडेट का साइज़ है वो है अप्रॉक्स 1000 MB और 1 GB के आसपास. तो इसे वो करिए गाइस, बहुत ही अच्छा अपडेट है. और इस अपडेट में काफ़ी सारी चीज़ें नहीं है. इसका जो नोटिफिकेशन पैनल है बिल्कुल चेंज हो चुका है. जो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो है इसका डिजिटल वेलबींग. तो गाइस ये एक एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको पता पड़ता है कि आपने फ़ोन को दिन में कितना यूज़ किया है, कितना स्क्रीन ऑन टाइम रहा है. 2 hours 14 minutes मैंने लगातार यूज़ किया है इसको पूरे दिन के अंदर. 39 times मैंने उसको लॉक और अनलॉक किया है. 89 नोटिफिकेशन मेरे को दिन भर में आए हैं. और YouTube मैंने यूज़ किया है, सेटिंग्स अदर पिक्सल एंड क्रोम. तो ये सारी चीज़ें मेरे को बता रहा है इस एप्लीकेशन के अंदर. यहाँ पे आप जेस्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे जेस्टर्स की सेटिंग्स भी है. यदि आपको जेस्टर्स पसंद है आपको दिखा देता हूँ कैसे. तो यदि आप यहाँ से जेस्टर्स आप यूज़ करेंगे, इसका जो नोटिफिकेशन पैनल है और जो रीजन टास्क है पूरा चेंज हो चुका है, एकदम गूगल पिक्सल की तरह हो चुका है. क्योंकि एंड्रॉइड 9.0 का अपडेट बहुत ही अच्छा अपडेट है. और लेकिन इसमें ये बस कमी है कि यदि आप इसको इनेबल करेंगे तो आप अपने ये जो हार्ड बटन्स हैं इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे. तो अभी मैं इसके ऑफ कर देता हूँ. यहाँ पे जो थीम सपोर्ट है बहुत अच्छा है, मैंने इसमें डार्क थीम इंस्टॉल कर रखी है जो मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है. और गाइस इसमें कैमरा के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, कैमरा एज यूजल है. कोई ना तो कोई 4K ना EIS का सपोर्ट हमको मिला है इसके अंदर, तो कैमरे में कोई चेंजेस नहीं आया है. तो यूजर इंटरफेस है बहुत ही अच्छा हो चुका है, बटरी स्मूथ चल रहा है फ़ोन, बहुत ही प्यारा चल रहा है. तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो हेल्पफुल लगा कि नहीं. और अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव अ ग्रेट थम्स अप टू मी. गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.